मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। लक्ष्मी रानी, हाँ मैडम, थोड़ा सा अपना परिचय दे, आपका घर कहाँ हुआ? मैं लक्ष्मी रानी हूँ, बाल विकास योजना पदाधिकारी मधेपुर जी। मेरा गृह जिला पटना हुआ जी। मैं पटना की निवासी हूँ जी। मैडम यहाँ आप कब ज्वाइन किया है मधेपुर? मैंने यहाँ 15 जुलाई 2022 को योगदान दिया है जिले में जी। और प्रभार भी मैंने उसी दिन लिया है 15 जुलाई 2022 को जी। इससे पहले कौन थे यहाँ? इसके पहले जीनत यास्मिन या जीनत कौशल थी सर। हाँ जीनत कौशल, उनका नाम सुना ही। मैडम यहाँ आने के, आपके आने के बाद कितना डेवलप हुआ है और अभी कौन कौन सा सब आंगनबाड़ी में काम सब चल रहा है, इस पर थोड़ा 4 महीना? देखिए डेवलप का तो जहाँ तक बात है, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ टोटल जैसे 302 स्वीकृत हैं, उसके विरुद्ध 288 संचालित हैं। मेरा आने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चले, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो लाभ विभाग द्वारा प्रदान की जाती है पोषाहार, ताकि बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की कमी को दूर किया जा सके, बाल मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाया जा सके, उस पर मैंने पूरा फोकस किया है। और मेरे जब जब मैंने अपने केंद्रों का विजिट किया है तो उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत अनियमितता पाई गई है तो उसके लिए मैंने कड़ी कार्रवाई भी की है सेविकाओं पर, जिसके कारण अब केंद्र पहले से बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है। THR में मैं पूरी जो सामग्री विभाग द्वारा निर्धारित है, जैसे चावल, दाल, सोयाबीन, नमक, तेल, मसाला, मैं सारे चीज़ों का वितरण करवाती हूँ। जो सेविका इसमें अनियमितता बरतती है उन पर नियम संगत कार्रवाई भी करती हूँ। मैडम अभी मान लीजिए आपके आने के बाद एकदम बिल्कुल सुधर गया है, बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। अच्छा मैडम एक चीज़ बताइए, यहाँ मधेपुर में आए हैं तो यहाँ कितने आपके साथ स्टाफ हैं? एक तो बड़ा बाबू हैं, बेटियाँ हैं, बड़ा बाबू इनका भी फिलहाल ट्रांसफर हो गया है जी। फिलहाल इनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन अभी चूंकि इन्होंने प्रभार नहीं दिया तो अभी कार्य जारी है इनका। हाँ ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर कल हुआ ही हुआ है। अच्छा। लेकिन अभी चूंकि प्रतिस्थानी नहीं आए हैं तो ये अपने कार्य पे बने हुए हैं बिना। अभी एक दूसरे हैं लेकिन उन्होंने भी योगदान नहीं दिया है, उनको अच्छा। भी आना था लेकिन अभी आए नहीं हैं, तो अभी मैं स्वतः खुद से काम कर रही हूँ। अच्छा। अपने ही दम पे। मैडम अभी आपके साथ कितने कर्मचारी? मेरे पास अभी 5 महिला पर्यवेक्षिका हैं और एक बड़ा बाबू का पद है, तो बड़ा बाबू अभी आए नहीं है, और एक हमारा डाटा ऑपरेटर है, एक BC है जो प्रभार में है। मैडम आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो आपके प्रशासक हैं, मान लीजिए SDM साहब हुए, DM साहब हुए, कमिश्नर साहब हुए, इनको क्या करना चाहता है, क्या सहयोग चाहिए, किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मेरा स्वीकृत बल के विरुद्ध जो हमारी पद की जो रिक्तियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे कर्मी की कमी के कारण हमारा जो कार्य करने का और जो क्षमता होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। और हमारे यहाँ BC है, जबकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उनको प्रभार में रखा गया है, जबकि उनके यहाँ पे पदस्थापन की आवश्यकता है। ठीक है, प्रधान सहायक तो जरूरी ही है, प्लस यहाँ पे एक कम से कम प्यून की तो जरूरी आवश्यकता है, जो कि इतने बड़े ऑफिस की सफाई करना, उसको खोलना नियमित, ये एक प्यून की जवाबदेही होती है, और प्यून हमारे यहाँ नहीं रहने के कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। मान लीजिए पूरी ये तो प्राइवेट ऑफिस से भी ये बदतर हो गया, सरकारी ऑफिस नहीं, तो ये तो विभाग का है कि अब वैकेंसी निकलेगी तो सारे पद दिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग इसी कंडीशन में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाँ वो तो विभाग का ये है, उसमें तो अब उन्हीं लोगों का निर्णय हो पाएगा। बिल्कुल, आपको अपने पानी पहुँचाइएगा, अगर ऐसा करने लगे तो क्या? जो परिस्थिति है उसी में काम करना है और हम लोग उसी में कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी बड़े पदाधिकारी कमिश्नर साहब हूँ, DM साहब हूँ, कह रहा हूँ कि सर
ये मैडम जो है यहाँ बाल विकास पदाधिकारी उनका प्रयोजन समझा जाए और इस पर पूरी कार्रवाई की जाए ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर नाम लिख लिया, मैं लक्ष्मी रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुर। घर हो गया आपका पटना? यहाँ मधेपुर में आप पदस्थापित। मोबाइल नंबर कितना हो गया मैडम आपका? 9431005431। धन्यवाद। थैंक यू।